नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनारस आ गए हैं। बनारस, जी हाँ, बनारसी पान के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। और इसीलिए ये देखिए रेलवे क्रॉसिंग है शहर के पास में, और ये प्यारा सा ब्रिज है। इसको प्यारा कहें, अच्छा कहें, बहुत बुरा कहें, हमको नहीं पता है। और सीढ़ी एकदम खचड़िया है। सीढ़ी ऐसी है कि चलेंगे तो मुख पर गिर जाएंगे, आपकी गांव भी फट सकती है। और ये ब्रिज है, जरा ब्रिज को दिखा दे रहे, नहीं कहेंगे आप ब्रिज नहीं दिखाए हैं, बनारस की बेइज्जती कर दिए हैं। बनारस अच्छा शहर है, अच्छा नहीं कह रहे हैं, पूरा है। और मगर चाय की दुकान ढूंढे तो सारा चाय नहीं मिली है, और तो पुल मिल गया है। पुल में चलिए, पुल आपको दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा। ये देखिए ये पुल है, ये ब्रिज गया हुआ है, ये गाड़ी जा रही है, पता नहीं कौन सी जा रही है, खराब सी है। और उधर बहुत पुल उतर रहा है। ये देखिए रेलवे क्रॉसिंग है, यही स्टेशन था इसी के पास। आप पूरा पूरा पुल देख लीजिए, तो। अब आप पूछेंगे कि हम बनारस काहे आए थे। अरे भोसड़ी के बहुत काम रहता है, हमको पासपोर्ट ऑफिस आए थे अपना वीजा के लिए, थोड़ा सा वेरिफिकेशन कराने। अब वेरिफिकेशन कराने का टाइम दे दिया है लड़ों ने 3:30, और 8:30 से आके यहाँ पे हम अंडा दे रहे हैं। अब सोचा लाओ ब्लॉगिंग कर लें, चैनल पे कुछ नहीं दिखाते हैं, आपको यही दिखा दें। बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत प्यारा आ रहा है, हम बहुत सुंदर आ रहे होंगे, हमको पता है, बहुत अच्छे हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर सारा पासपोर्ट ऑफिस है कहाँ पे। अब बगल में है रेलवे स्टेशन के एकदम बगल में। ये देख लीजिए, यही खचड़वा सीढ़िया है, यही के बारे में हम बतिया रहे थे आपसे। बहुत खचड़ा सीढ़ी है, और देखिए इधर से चढ़ते हैं, खचड़ा सीढ़ी है, इससे से उतरिएगा ध्यान से, और जरा सा भी कुछ हुआ तो आप गाड़ी के बल गिर जाएंगे, समझ रहे हैं। और जैसे ही आप सीढ़िया से उतरेंगे, देखिए सीढ़िया से उतरेंगे तो बगल में केएफसी का रेस्टोरेंट है, केएफसी का रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर सब खड़ा हुआ है। और ये पानी है, प्योरेट का पानी है, बहुत है सफ़ा, बहुत है प्यारा सा पानी है। ये कुल्हड़ उल्हड़ है, और ये देखिए बर्गर वर्गर, यहाँ पे पिज़्ज़ा उज्ज़ा बनता रहता है, समझ रहे हैं। और ये देखिए बनारस में बहुत सी चीज़ें मिलता है। बनारस के बगल में एक ऑफिस है, स्टेशन के बगल में, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 मीटर जाएंगे तो वो देखिए लिखा हुआ है शादी घर। और यही की जो बिल्डिंग है नीचवा, इसी के नीचे ऑफिस है, कौन सा पासपोर्ट ऑफिस, समझ रहे हैं। आइए दिखाते हैं थोड़ा सा, और ये देखिए ऐसे हम डाक जाएंगे इसको, पासपोर्ट ऑफिस है। और ये फूल कचौड़ी थोड़ी मिलती रहती है, खाइए पेल के, और आपको पेट चलने लगे और हंसने लगे। ये फल बहुत महंगा महंगा फ्रेश देर से तोड़ा हुआ फल है, बाटा चौखा होता मिल रहा है, कचौड़ी बांट रहे हैं, बहुत सस्ती बहुत अच्छी। ऐसी फूल कचौड़ी आप खाइए और हमें लग जाइए, उसको पेचिस पड़ने लगे और आप बीमार हो जाइए, आप पासपोर्ट को गया गाँव वाला ने, आप चुपचाप घर चले जाइए, वेंटिलेटर पर जाकर सो जाइए। पासपोर्ट ऑफिस है, गार्ड खड़ा हुआ है, बहुत हरामी गार्ड है। जैसे ही साले से पूछे कि अंदर जाए देंगे तो उनका भगा दिया, कहा मास्क लगा के आइए। फिर मास्क लगा के गए तो भोजरी वाला बोला आपका टाइम 3 बजे है, आप अभी गाँव वाला ने भी आ गए, यही वहाँ बैठ जाइए। पुलवा के नीचे इस तरह से भीड़ रहती है, पुलवा है, पुलवा के नीचे जितनी जगह बैठने के लिए, इतना बड़ा मंत्रालय बनाया हुआ है, मगर यहाँ पर बैठने जगह नहीं। देखिए नींद आराम फरमा रहे हैं, इनको लाए थे पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने, और ये सो रहे हैं, बताइए ऐसे कौन कराता है भाई। भैया बनारस का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रहे हैं, आप लौटैया में कुछ बनाएंगे, कुछ अच्छा दिखेगा तो बना देंगे। आप बनारस आइए और घूमिए, ज़्यादा पैसा ना लेके आइए, बहुत सामान सस्ता है। पूरी कचौड़ी खा ली है 30 रुपये में, 6 तो पूरी मिली थी, बहुत कौवा खाए हैं। अब उम्मीद कर रहे हैं हमारा पेट ना चले, अगर पेट चला तो गाँव कट जाएगी, दवा खाना पड़ेगा, लैटरिन होने लगेगी, समझ रहे हैं। आप बनारस आइएगा तो घूमिएगा, ज़्यादा खाइएगा नहीं, पिला जाएंगे, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, समझिए। बाहर का चीज़ ना खाया करिए, कोरोना बहुत ज़्यादा तेज से है और फैल जाएगा और आपको बीमार कर देगा। चल रहे हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, बता दो प्लीज़, बाय बाय, लव यू, ख्याल रखिए, ज़्यादा गंदी हरकत ना करिए, नहीं बीमार हो जाएंगे।